Yes. Sir, leave your application. Please sit down. Thank you, sir. Say. सर ये लेट ठीक है मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ अरे अरे वहाँ पे पुण्यतिथि रहती है या फिर मेला भरा रहता है वही पता नहीं चलता पिछले साल ना मैं वहाँ से गुजर रहा था तो आई फेल्ट वोमिटिंग अरे मैं तो वहाँ से ऐसे भागा जैसे हंटर में वासु भागा तेरा वैसे ही यार ड्यूड तेरा प्रॉब्लम क्या है क्या हुआ भाई मुझे क्या हुआ नहीं अगर तुझे वहां नहीं जाना तो तू मत जा मगर इस तरह दूसरों की भावना को ठेस मत पहुंचाना तुझे क्या हुआ सब लोग वहां फोकट में आते हैं और गंदगी फैलाते अरे पर क्यों इतनी अहमियत देते हो अंबेडकर को एक्सक्यूज मी मिस्टर निमेश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कोई भी अनुयायी 5 या 6 दिसंबर को फोकट नहीं आता रेलवे की आमदनी बढ़ती है अगर नहीं पता तो पता करवा लो हाँ तो ठीक है ना ठीक नहीं है ये जो आप हमारे साथ बैठकर लंच करती हैं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती हैं ये सब बाबा साहब अंबेडकर की देन है उनके संविधान की देन है वरना आज तुम भी किसी घर पे बैठकर बर्तन मांज रही होती हाँ लेकिन वेट आई एम नॉट फिनिश्ड प्रेग्नेंट हो ना आप कुछ महीनों बाद आपको प्रेगनेंसी लीव मिलेगी वो भी बाबा साहब अंबेडकर की वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने दिया उन्होंने सबसे ज्यादा आपके लिए सोचा एक मिनट लेकिन ये सब बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो अरे क्योंकि तुम लोगों के मन में बाबा साहब अंबेडकर और उनके समाज के खिलाफ एक नकारात्मक भावना भरी पड़ी है यार इतने महान शख्सियत को तुम लोगों ने अपने संकुचित विचारों से संकुचित बना दिया अच्छा ठीक है लेकिन ये सब तो उन दिनों की बात थी लेकिन आज की हालत तो बहुत ही बदतर होती जा रही है ऐसे हालतों में क्या सोल्यूशन है तुम्हारे अंबेडकर जी के पास बाबा साहब अंबेडकर आपसे और मुझसे ज्यादा इस देश के है निमेश बाबा साहब अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया गूगल पर सर्च करना दामोदर वैली और हीराकुंड डैम बनाने के लिए किसने ज्यादा काम किया है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इस किताब के बेस पे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है हेलो या बेबी या मैं निकल रहा हूं जल्दी हाँ हाँ रखो फोन चलो अरे बोला ना निकल रहा हूं जल्दी मैं हाँ रखो रखो फोन रखो चलो 5:30 बज गए क्या 5:30 बात अभी पूरी नहीं हुई है आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं ये तो आपको पीएफ मिलता है ना ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है 12 से 14 घंटे काम करने वाला मजदूर 8 घंटे काम करता है बाबा साहब अंबेडकर की वजह से अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते ना तो आज आपका बॉस आपकी 14 घंटे लेता और आप उसका घंटा भी नहीं उठा पाते ये जो 8 घंटे है ना बाबा साहेब अंबेडकर की देन That means he is the real architect of modern India. अफसोस होता है मुझे जब तुम सब लोग इस दिन का मजाक उड़ाते हो It feels bad. Hey newcomer. Sorry यार हाथ धोने जा रहा हूँ खाना खाना है ना हाँ Excuse me आनंद Come here. Yes sir. मैं ये कहने आया था कि कल तुम मत जाओ पर सर अरे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए अकेले जाओगे मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ जय भीम थैंक यू सर जय भीम